बस मस्ती भरा वीडियो है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे खेत में बहुत सारा गेहूं बिखरा हुआ था और हम लोग कटा कटा के ऐसे रखे थे, पहले उस तरह से खड़ा था, उसके बाद कटा के बोझ बांधे बना के फिर इसी में पूरा था, फिर इसके बाद इकट्ठा करके रखे हुए थे, इकट्ठा करके रखे हुए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद आज 3 बजे रात को थ्रेसर को बुला के और हम लोग भूसा बनवा दिए। देखिए इधर भूसा अलग हो गया है और इधर मेरा सिलाई कर रहा है कि उसमें गेहूं है ना, ये देखिए गेहूं कट के ऐसे हो गया यार। दोस्तों इस बार गेहूं बहुत कम हुआ यार, पहले फसल के बाद फसल बहुत ज़्यादा हुआ था लेकिन इस बार कम हो गया। अभी देखिए और लोगों का है ही पूरा, सब लोगों का बिखरा है, सबसे पहले मेरा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का साइड हो गया है। एक दो दिन का वीडियो है, तो आज कितने तारीख है, 12 तारीख 12 अप्रैल को मेरा आज से समापन हो गया। अब हम लोग भूसा को अपने घर ले जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग लास्ट तक बने रहना हमारे इस ब्लॉग में और हम दिखाएंगे अपने आगे का प्रोसेस को क्या क्या करते हैं, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे का क्लिप में, ओके आगे वाले वीडियो में। तो तब तक ले बने रहना, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा गेहूँ कट गया है, मैं उसको ढो रहा था, ठीक है, उसको पूरा ढो के अपने घर पे रख लिया, अब खत्म हो गया। अब मैं आया था बगीचे में थोड़ा आम वगैरह खाने, आप लोगों को दिखाता हूँ आम कैसा है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा आम एकदम मस्त हो गया है, आया था इसको खाने के लिए, अभी मैं खा चुका हूँ, थोड़ा बहुत खा लिया जितना खाना था। और देखिए ये अनार का पेड़ है, ये भी पूरा खिला हुआ है और इसमें फल लगेगा, फल लगे हुए हैं। मेरे तालाब में जंगल ही है पूरा, ऐसे ही सब कुछ लगा रहता है। और ये भी देखिए कितना मस्त सब फला हुआ है और ये भी पकेगा तो खाएंगे। तो दोस्तों और मेरा गेहूँ तो पूरा ढुआ गया है, खत्म हो गया है। अब हम लोग बस साथ को भरने की तैयारी बना रहे हैं, आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज तो दोपहर हो चुका है। अब शाम नहीं सुबह होगी, तो सुबह 3 बजे जो भोर होती है उसी 3 बजे भोर से स्टार्ट कर देंगे और 13 अप्रैल को मैं भूसा अपना पूरा ख़त्म करके रख लूँगा। और ये देखिए ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद कुट्टी कटाएंगे, कुट्टी कटवा के इस पियरे से कुट्टी कटवा के फिर उसके बाद उसको भी डाल देंगे घर में, रख जाएगा तो फिर चल देंगे। देखिए दोस्तों मेरे पास आम का पेड़ बहुत बगीचे में मेरे हैं, ये वाला भी देखिए कितना फरा हुआ है, देख रहे हैं, ये वाला भी फरा है, बेल भी फरा है, पपीता भी फरा है, सब फरा है इस बार अच्छा से, ठीक। तो देख सकते हैं ये कुटी है, वो भूसा है, ओके। दोस्तों देखिए मेरा ब्लॉग जो है अब इंडी पॉइंट पे आ चुका है, अब हम जा रहे हैं इसको इंड करने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा आगे पीछे का भी बैकग्राउंड ले लिए हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक रहना और लास्ट में कमेंट जरूर करना दोस्तों कैसा लगता है। और मैं यहाँ से इंड करने जा रहा हूँ, ये देखिए मेरे जामुन है, ये जामुन ये भी पूरा फूला हुआ है, अब इसमें फल लगेगा और आम वगैरह तो इसमें है ही, आप वीडियो में देख लेना, ओके बाय। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, आप बने रहना, अच्छे से देख ले रहना, ओके बाय।